मतलब क्या रजिस्टर मेंटेन करोगे, कैसे कौन आया उसके एंट्री और ये जो मालिश करने वाली है वो कहाँ से लेके आती है? कितने टाइम से जो जैसे जरूर से बिलोंग पानी से बिलोंग अर्जेंट में जो है स्टाफ का वेरिफिकेशन था, तुम्हारे रूम किस तरह से होंगे, क्या कैमरे की एंट्री एग्जिट, जब तक ये क्लियरेंस पूरे डॉक्यूमेंट नियमावली नहीं लाओगे तब तक बंद। किसानों से अखबार में और शिकायतें मिल रही थी कि इस तरह का कोई कारोबार चल रहा है जहाँ अनियंत्रित गतिविधियाँ चल रही है। इस संबंध में आज मैं शुरू में ASI और इसकी टीम भेजी गई थी, अब मैं आया हूँ। हमने ये देखा कि टीम यहाँ किसकी एंट्री होती है, कौन मसाज करता है, क्या इनके पास लाइसेंस है या नहीं है, तो नियमावली मांगी गई है और यहाँ कौन कौन काम करता है उसकी ID वगैरह देखी गई है। अभी इनके पास है नहीं, क्या नियमावली है उस नियमावली को देख के दिखाई दी गई कि जब तक नियमावली पूरी नहीं होगी तब तक ये बनता है। जब तक ये नियमावली प्रस्तुत करे कि भाई इनका जो स्पा में है कि भाई किस तरह से इनकी एंट्री होगी, क्या रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, कहाँ कैमरे लगेंगे, क्या प्रत्येक जहाँ मसाज होती है वहाँ पर्दा होगा या गेट होगा, गेट में चटकनी होगी नहीं होगी, इस तरह की तो इनकी नियमावली बनी। ऐसे हिसाब से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि भाई आप पत्रकार महोदय काफ़ी जने थे और वो जगह छोटी थी, कार्रवाई के दौरान पूर्ण कार्रवाई करके उनका वक्तव्य देने का बताया गया था। सर चूँकि बाड़मेर सरहदी जिला है, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे कई सारे प्रतिबंधित है, तो क्या जो अन्य प्रदेशों से जो युवतियाँ और या फिर इस्पा कार्मिक लाए जा रहे हैं तो इस बात को भी ध्यान में रखेगी पुलिस? जी बिल्कुल, उनका सत्यापन किया जाएगा। यदि इनकी नियमावली में इस तरह का है कि भाई ये नियमावली अनुसार चल रहे हैं और बाहर से कोई मसाज करने वाला आ रहा है तो उनकी ID पहले ली जाएगी। सर इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? कंटिन्यू रहेगी।